वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स में भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स, तो मैं फिर से बच्चे से रिलेटेड वीडियो लेके आई हुई हूँ। फ्रेंड्स, तो ठंड के दिन में, विंटर के सीज़न में, बच्चों को नहलाने के बाद या स्पंज करने के बाद हमें क्या करना है, ऑयल लगाना है या पाउडर का यूज़ करना है या लोशन का यूज़ करना है, तो मैं वो बताऊँगी आपको। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बस तक्षु को नहला कर ले आई हुई हूँ फ्रेंड्स, और उसको मैंने टॉवल से क्लीन कर दिया है और नीचे एक साफ एक कपड़ा बिछा दिया है। देन उसके बाद हम लेंगे हिमालय का बेबी लोशन क्रीम। तो सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये लोशन जो है बहुत ही अच्छा है। ये बॉडी को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है। इसमें आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों ही मिलते हैं फ्रेंड्स, और ये क्लिनिकल टेस्टेड है फ्रेंड्स, बहुत ही जेंटल है, सेफ है। तो यहाँ मैं इसका कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा बेबी लोशन है, अगर आप किसी लोशन का तलाश में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। और इसका जो प्राइस भी है वो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि मीडियम साइज़ का बॉटल है फ्रेंड्स, ये 95 रुपीज़ का है फ्रेंड्स, 100 ml का। तो मैं तक्षु का नहलाने के बाद मैं हमेशा जो है बेबी लोशन जो है मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो अभी ये काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में इसमें जो है ये पैराबिन फ्री है फ्रेंड्स, मिनरल ऑयल है और सिंथेटिक कलर्स, ये सब चीज़ों से फ्री है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा लोशन है। और तक्षु भी देखिए, नहला कर उसको मैं ये लगाती हूँ तो वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है और 2-3 घंटे तो वो सो जाता है बिल्कुल आराम से। कोई मतलब बिल्कुल भी आप कितना भी चिल्लाओ वो नहीं उठता है, मतलब उसके पास कितना भी म्यूज़िक बजा दो उसको बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए वो कितनी इंजॉय से, मतलब बहुत इंजॉय कर रहा है लोशन लगवाने में। तो विंटर के सीज़न में नहलाने के बाद या स्पंज करने के बाद आप लोशन का यूज़ कीजिए, ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि मसाज करने के थोड़ी देर के बाद जब आप स्पंज करेंगे या उसको नहलाएंगे तो उसके बाद ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं, लोशन लगाते हैं फ्रेंड्स। और अभी मैं बैक में भी आऊँगी तो बैक के साइड में भी लोशन लगाना है, पूरे पार्ट्स में लगाना है। तो आप देखिए कितना इंजॉय कर रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है मेरा बेटा। और मैं तो बोलूँगी सबको कि हिमालय का बेस्ट है, बट आप अपना आपका जो भी है, आपको जो पसंद है जो ब्रांड का, आप वो ब्रांड का ले सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, डव का है, बहुत सारा ब्रांड्स है, और बेबी जॉनसन का तो आपको पता ही है। तो आपको जो आपको अच्छा लगे अपने बच्चे की बॉडी के हिसाब से, मतलब होता है स्किन किसी का कैसा होता है तो किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को नहीं सूट करता है, बट ये तो आयुर्वेदिक से रिलेटेड है तो ये काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी जो है ना बहुत अच्छा, इसमें जैतून का भी तेल है, ग्लिसरीन है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, जो बेबी को स्किन को सॉफ्ट सफल बनाएगा। इसके पैरों पे भी हम लगा देंगे, ऑल ओवर पूरे बॉडी पे इसको अप्लाई करना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वो आफ्टर बाथ इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा लोशन को, जिससे कि बच्चे को बिल्कुल रिलैक्स फील होंगे और पूरे उनके पार्ट्स पे भी आप लगाने का। उसके बाद ठंड का दिन है तो आप अपना जो है कपड़े वगैरह पहना दीजिए और स्वेटर वगैरह पहना दीजिए। तो बस मैं यहाँ तक्षु को रेडी कर रही हूँ, रेडी कर उसको फिर फीडिंग कराऊँगी और फिर वो अपना आराम से नींद लेगा। तो देखिए कितना वो हैप्पी फील कर रहा है फ्रेंड्स, उसको बहुत मज़े आ रहे हैं। कोई भी अगर नहा लेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, ठंड का दिन रहे तो उससे क्या हुआ है, बट स्पंज या नहला देना चाहिए। तो ये देखिए मैंने उसको रेडी कर दिया है और बस अब उसका आप देखिए, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो डेली मैं इसको नहलाती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है मेरे, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना, मिलते एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।